हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। और भाई आज आपके लिए लेके आया हूं मैं NS400Z का सीट हाइट टेस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा लोग पूछते हैं भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट इतनी है, मैं ये बाइक चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। तो भाई आज आपके लिए तीन हाइटेड बंदे ले रहे आ रहा हूं जो मेरी हेल्प करने वाले हैं, और उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि उनका अपना खुद का भी यूट्यूब चैनल है। तो सबसे पहले मैं हूं राम और मेरा यूट्यूब चैनल आप देख ही रहो। तो भाई मेरी हाइट है 6'2" और यहाँ पे आपकी NS बाइक खड़ी है। मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ कि 6'2" हाइट का बंदा अगर बाइक के ऊपर बैठता है तो कैसा लगता है। तो आप देख पा रहे हो कि मेरे दोनों ही पैर जमीन पे हैं, और फ्रंट से भी अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो फ्रंट से भी देख लो कि कैसा दिख रहा हूं मैं, और हल्के से यहाँ पे नीज थोड़े से बैंड हो रखे हैं, और आप देख लो दोनों पैर आपके जमीन पे, कैसा लग रहा हूं। तो 6'2" हाइट के बंदे के हिसाब से ये बाइक ऐसी फील हो रही है। अब मैं बुलाता हूं एक दूसरा बंदा जिसकी हाइट है आपकी 5'8". तो अविनाश एक बार आप जरा आ जाओ फ्रंट की तरफ। तो भाई अविनाश आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको थैंक यू। तो ये देखो भाई उंगली आ रही है तुम्हारी, हाँ। तो ये अविनाश आ गए हैं कैमरे की तरफ। तो इनकी हाइट है 5'8". एक बार आप बैठ के दिखाओ कि 5'8" हाइट का बंदा अगर बैठता है बाइक पे तो कैसा लगता है। तो देखिए अविनाश की हाइट है 5'8" और इनके ऑलमोस्ट दोनों ही पैर जमीन पे लगे हुए हैं, एड़ियां भी टच हो रही हैं और पैर ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सीधे हैं। तो 5'8" हाइट के बंदे के लिए बाइक अप्रोक्सीमेट परफेक्ट होने वाली है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक तीसरे बंदे की तरफ जिनका नाम है मिस्टर आरके। तो इनका बाइक विद आरके चैनल है और इनकी हाइट है 5'5". तो एक बार मैं आरके भाई को बुला लेता हूँ चैनल की तरफ। तो ये भाई आरके भाई आ गया, इनकी हाइट है 5'5" और एक बार ये NS के ऊपर बैठ के दिखाएंगे कि 5'5" हाइट का बंदा अगर NS के ऊपर बैठता है तो कैसा लगता है। तो देखिए ये 5'5" हाइट के, और यहाँ पे आप देखोगे तो पंजे के बल पे है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आपका आ रहा है एड़ी के बीच में। और फ्रंट से एक बार दिखा देते हैं कि दोनों पैर कैसे दिख रहे हैं। तो दोनों ही पैर के पंजे जमीन पे हैं और दोनों ही पैर की जो एड़ियां हैं वो हवा में है, बट स्टिल मैनेजेबल है। तो अगर आपकी हाइट 5'5" है तब भी इस बाइक को मैनेज कर सकते हो। अब तो काफी बाइक चलाए, कोई प्रॉब्लम हुई ऐसी? तो भाई ये थे आपका आज का व्लॉग, और छोटा ही व्लॉग मैंने रखा है कि भाई आप लोगों को मैं बता सकूं कि भाई किस किस हाइट के बंदे पे ये बाइक कैसी लगती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है @solotraveler। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइट डार्ट राइट सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।